गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आशा है कि आप घर पर स्वस्थ होंगे और हम जो क्वेश्चन करवा रहे हैं उनको पढ़ भी रहे होंगे और आगे के जो 10 क्वेश्चन हैं उनको हम आज करवाते हैं और उन्हें ध्यान आशा है कि आप उनसे ध्यान से सुनेंगे। मेरी कोशिश है कि क्वेश्चन को सही से सही उसका उत्तर आपको बताया जाए, इसलिए ध्यान से देखें। आगे के 10 क्वेश्चन आज हम करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ट्विन मास फोर्स किसने बनाया है। पहला ऑप्शन है MHRD, बी ऑप्शन है ISRO इसरो, सी ऑप्शन है BCCI, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। ट्विन मास फोर्स बनाने वाली संस्था है BCCI। कौन सी संस्था है? BCCI। BCCI की का नाम आया तो इसका नाम फुल फॉर्म है इसकी बोर्ड बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। क्या फुल फॉर्म है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इनकी मैं पहले ही बता चुका हूं, इनकी फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और MHRD की है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस डेवलपमेंट। ठीक है, इसकी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और MHRD की है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस डेवलपमेंट। टीम मास फोर्स बनाने किसने बनाया है? BCCI ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, SARS वायरस 2002 में किस देश में फैला था। SARS का हम पहले ही बता चुके हैं, SARS क्या है? ये भी एक कोरोना वायरस परिवार का ही, उस परिवार से ही होने वाली एक बीमारी का नाम रखा गया था। तो इसमें ऑप्शन ए है चीन, बी ऑप्शन है सऊदी अरब, सी ऑप्शन है वियतनाम और डी ऑप्शन है ईरान। ये बीमारी भी चीन से ही फैली थी। SARS फिर पहले ही बता दिया था और आप भी बताते हैं, इसका इसकी मीनिंग है, इस बीमारी को नाम दिया गया था SARS कोविड। चाहिए इसका नाम, इस फुल फॉर्म है स्वेयर एक्यूट रेस्पिरेटरी रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। कहाँ फैली थी? 2002 में चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कोविड इंडिया सेवा पोर्टल शुरू किया है? क्या किया है? कोविड इंडिया सेवा पोर्टल शुरू किया है। पहला ऑप्शन है इसरो, बी ऑप्शन है MHRD, सी ऑप्शन है स्वास्थ्य मंत्रालय, डी ऑप्शन है नीति आयोग। कोविड इंडिया सेवा पोर्टल शुरू किया है स्वास्थ्य मंत्रालय ने। किसने शुरू किया है? स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है इंडिया
कोविड इंडिया सेवा पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के खिलाफ एकजुटता दिखाने की वजह से स्विट्जरलैंड ने किस पर्वत पर भारतीय ध्वज प्रोजेक्ट किया है? अगर फिर प्रश्न को देख ले, कोरोना वायरस के खिलाफ एकजुटता दिखाने की वजह से स्विट्जरलैंड ने किस पर्वत पर भारतीय ध्वज प्रोजेक्ट किया है? पहला ऑप्शन है माउंट एवरेस्ट, बी ऑप्शन मैटरहॉर्न, सी ऑप्शन है एटलस और डी ऑप्शन है K2। यहाँ पे देखो माउंट एवरेस्ट है नेपाल और ये है स्विट्जरलैंड में, और ये एटलस जो है ये पश्चिमोत्तर अफ्रीका में है, ये K2 इंडिया का है। तो स्विट्जरलैंड का जो है, स्विट्जरलैंड ने किस पर्वत पर किया है, तो किस पर किया है, मैटरहॉर्न पर्वत पर प्रोजेक्ट किया है तिरंगे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा मुक्त भोजन कार्यक्रम मिशन अन्ना सेवा किसने शुरू किया है? पहला ऑप्शन है विप्रो, बी ऑप्शन है मारुति, सी ऑप्शन है रिलायंस फाउंडेशन और डी ऑप्शन है टाटा। जो रिलायंस फाउंडेशन है, इसने ये मुक्त भोजन कार्यक्रम मिशन अन्ना सेवा शुरू किया है। किसने किया है? रिलायंस फाउंडेशन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन कोरोना कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो का शुभारंभ किया है? पहला ऑप्शन उत्तराखंड, बी ऑप्शन है पंजाब, सी ऑप्शन है हरियाणा और डी ऑप्शन है कर्नाटक। कर्नाटक वह राज्य है जिसने ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सीएम कोविड 19 योद्धा कल्याण योजना शुरू की है? पहला ऑप्शन है उड़ीसा, बी ऑप्शन है गोवा, सी ऑप्शन केरल, डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश। सीएम कोविड 19 योद्धा कल्याण योजना को शुरू करने वाला राज्य है मध्य प्रदेश द्वारा सीएम कोविड 19 योद्धा कल्याण योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने आपदा मित्र ऐप और हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया है? आपदा मित्र ऐप और हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया है। पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, बी ऑप्शन है मिजोरम, सी ऑप्शन है हरियाणा और डी ऑप्शन है कर्नाटक। आपदा मित्र ऐप और हेल्पलाइन नंबर लॉन्च करने वाला राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक द्वारा आपदा मित्र ऐप और हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया गया है। महाराष्ट्र ने कौन सी ऐप बनाई है? महाकवच, ठीक है, क्या किया है? महाकवच। और मिजोरम ने M COVID-19 और हरियाणा बीर में देखे में हेल्प मी। ये मैं बार बार आपको इसलिए बताता हूं कि आपको अच्छे से याद हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा असंगठित श्रमिक सहायता योजना के अंतर्गत कितने रुपए श्रमिकों को हरियाणा सरकार प्रति महीना देगी? ए ऑप्शन है 2000, बी ऑप्शन है 3000, सी ऑप्शन है 4000 और डी ऑप्शन है 5000। यहाँ पर हरियाणा सरकार असंगठित श्रमिक सहायता योजना के अंतर्गत 4000 रुपए प्रति महीना श्रमिकों को देने की घोषणा की है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, किस IIT ने बड़ी जगहों को सैनिटाइज करने के लिए ड्रोन तैयार किया है? पहला ऑप्शन है दिल्ली
बी ऑप्शन है आईआईटी मुंबई, सी ऑप्शन आईआईटी गुवाहाटी और डी ऑप्शन है आईआईटी मुंबई। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। बड़ी जगहों को सैनिटाइज करने के लिए ड्रोन तैयार किया है आईआईटी गुवाहाटी द्वारा बड़ी जगहों को सैनिटाइज करने के लिए ड्रोन तैयार किया है। और आईआईटी दिल्ली ने क्या क्या था, वास करो ऐप लॉन्च की थी दिल्ली के। और आईआईटी मुंबई ने क्वारंटाइन ऐप लॉन्च की थी। और आईटी मंडी ने लाए। इसी के साथ आज हमारी जो क्वेश्चन थे वो समाप्त होते हैं। अगले दिन मिलेंगे। थैंक यू और गुड, हैव ए गुड डे। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, किस आईआईटी ने बड़ी जगहों को सैनिटाइज करने के लिए ड्रोन तैयार किया है। पहला ऑप्शन है दिल्ली, बी ऑप्शन है आईआईटी मुंबई, सी ऑप्शन आईआईटी गुवाहाटी और डी ऑप्शन है आईआईटी मुंबई। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। बड़ी जगहों को सैनिटाइज करने के लिए ड्रोन तैयार किया है आईआईटी गुवाहाटी द्वारा बड़ी जगहों को सैनिटाइज करने के लिए ड्रोन तैयार किया है। और आईआईटी दिल्ली ने क्या क्या था, वास करो ऐप लॉन्च की थी दिल्ली के। और आईआईटी मुंबई ने क्वारंटाइन ऐप लॉन्च की थी। और आईटी मंडी ने लाए। इसी के साथ आज हमारी जो क्वेश्चन थे वो समाप्त होते हैं। अगले दिन मिलेंगे।